हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट शेफ किचन। तो हमारी आज की रेसिपी है रेड सॉस पास्ता। बहुत अल्टीमेट है, बहुत टेम्पटिंग है, बहुत ही बढ़िया है ये। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए भगोना लिया है एक, और इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। और जो पानी है बॉइलिंग स्टेज पे आ ही गया है, ये देखिए इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। और अब इसमें हम लोग करीबन 4 कप के अराउंड पास्ता का डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, आप पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ये मैक्रोनी है बहुत गुड क्वालिटी के हैं, जिससे जिस भी बॉयल हो तो अपना शेप मेंटेन करके रखें। तो ये मैंने डाल दिया है 4 कप। और इसमें अब हम लोग एज पर द टेस्ट हम लोग इसमें नमक डाल देंगे। और स्वाद अनुसार मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का यूज़ कर रही हूँ। चला लेंगे और इसे अब हम लोगों को कुक करना होगा, मतलब हमें इसे बॉईल करना होगा जब तक कि पास्ता या मैक्रोनी हमारे पूरे कुक ना हो जाए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए एकदम अच्छे से कुक हो गए, ये देखिए एकदम फूल गए हैं, ये देखिए अच्छे से कुक हो गए। और जिसका एक्स्ट्रा वाटर इसको हम निकाल लेते हैं, स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए मैंने मैक्रोनी को स्ट्रेन कर लिया है, और मैंने 2 से 3 बार इसे ठंडे एकदम चिल्ड वाटर, आइस वाटर से रिंस भी कर लिया था, जिससे ओवर कुक ना हो। तो अब इसमें हम लोग 1 टीस्पून के अराउंड कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे इसे हम लोग। मैंने इसका पूरा पानी स्ट्रेन कर लिया, एकदम ड्राई हो गए हैं। तो हम ऑयल इसलिए डाल रहे हैं जिससे चिपके ना एक दूसरे से, अगर आप ऑयल डालेंगे तो ये चिपक सकते हैं, इसलिए ऑयल डालना मत भूलिएगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे सॉल्ट कर लेंगे जिससे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे हो गए हैं, चलिए पास्ता बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, पैन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस कढ़ाई में मैं करीबन 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल डाल रही हूँ। तो इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा ही ऑयल लगता है इसको बनाने के लिए। और जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें हम लोग 1 बड़ी ग्रीन चिली फाइनली चॉप करके डाल देंगे। तो ये तीखी ग्रीन चिली है, तो इसलिए मैं इसमें 1 ही डाल रही हूँ। अगर आपकी तीखी ना हो तो आप इसमें 2 से 3 भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया, बस उसको करीबन 20 से 30 सेकंड के लिए सॉट कर लेंगे, चलाते भी रहेंगे। ये हमारा डन हो गया है, मिर्ची तो सॉट हो गई है हमारी। और अब इसमें हम लोग 2 मीडियम साइज अनियंस डालेंगे। उसको मैंने एकदम लंबा लंबा काट लिया था अनियंस को, देखिए 2 मीडियम साइज अनियन है, ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। और इसमें हम लोगों को अनियंस को ज़्यादा, प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना होता, करीबन इसे हम लोगों को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना होगा। और ये देखिए एकदम अलग अलग होने लगे हैं प्याज के, एकदम लंबा लंबा, चलाते भी रहेंगे इसको साथ साथ। ये देखिए मेरे कुक हो गए हैं, मैंने 2 मिनट्स करा था। और इसमें अब हम लोग 1 छोटी कैप्सिकम डालेंगे, यानी शिमला मिर्च फाइनली चॉप्ड करके, एकदम फाइनली चॉप्ड। और करीबन 20 से 30 बीन्स डाल देंगे फाइनली चॉप्ड करके। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें 1 छोटी गाजर डालेंगे, एकदम फाइनली चॉप्ड। देखिए मैंने इसको एकदम स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में कर लिया है, देखिए अच्छे से चला लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, देखिए। और इसे अब हम लोगों को करीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा कुक करना होगा। तो ये हमारे डन हो गए। और अब इसमें हम लोग कुक करने के बाद 1/2 टेबल स्पून नमक का डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार नमक को डाल सकते हैं आप। अच्छे से नमक को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम लोग लीड को लगा लेंगे अपनी, और इसे हम लोगों को करीबन 4 to 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करना होगा। ये देखिए हमारी सारी वेजीज अच्छे से कुक हो गई हम, और मैंने यहाँ पे ये वेजीज़ का यूज़ करा है, आप थोड़ी और वेजीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही रेड सॉस, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं रेड सॉस की, मैंने उसमें वाइट सॉस भी बनाया था। मैं पर रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 कप करीबन के अराउंड 1 कप जितना लिया है ये रेड सॉस। और इसी में ही हम लोग 1/2 कप के अराउंड
मतलब कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और करीबन हाफ कप पानी ले लिया था और कॉर्नफ्लोर को साथ अच्छे से मिला लिया था, कोई भी लम्स ना रहे वैसे कॉर्नफ्लोर में, और इसमें मैंने डाल दिया है। इसे कुक कर लेंगे जब तक ये ऐसा थिक नहीं हो जाता, हार्डली बस 1 से 2 मिनट लगेगा इसको। और इसमें अब हम मैं पास्ता मसाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, और मैगी मसाला डाल देंगे हम लोग थोड़ा सा। तो मैं करीबन 1 पैकेट के अराउंड मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसमें हम लोग अब 1 टीस्पून के अराउंड ऑरिगानो का डाल देंगे, आप मिक्स्ड हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम लोग क्रश ब्लैक पेपर डाल देंगे यानी काली मिर्च। और अब इसमें हम लोग करीबन 4 बड़े चम्मच यानी 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप का डाल देंगे। जी, टोमेटो केचप आप स्पाइस वाला भी डाल सकते हैं। और इसमें अब हम लोग 1 टीस्पून के अराउंड सोया सॉस डालेंगे। तो सोया सॉस इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है ग्रेवी में। ग्रेवी ये देखिए एकदम डार्क होने लगी है, देखिए ये मेरी ग्रेवी है। और इसमें अब अपने अपने मैक्रोनी डाल देंगे यानी हमारे पास्ता। ये देखिए ऑयल डालने से बिल्कुल भी चिपके नहीं है, एक बारी में ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना आप चला नहीं पाएंगे, हम थोड़ा ही डालेंगे, पहले चला लेंगे अच्छे से देखिए। और जो ये मैक्रोनी है इसको हमें अच्छे से कोट करना है, और मैंने पूरा डाल दिया है इसमें, अच्छे से बना लेंगे। देखिए कितने अच्छे से कोट हुई है, देखिए सॉस से कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। और इसे अब हम लोगों को लीड लगा के 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में, मीडियम टू लो फ्लेम में हमें कुक करना होगा। मतलब हमें जो ये फ्लेम रखनी है लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी, हमें अच्छे से चला लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और हमारी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई यानी हमारा रेड सॉस पास्ता बन के तैयार हो गया है। और मैंने इसे यहाँ पे सर्व करा है एक बोल में, खाने में बहुत टेस्टी है ना। और अब इसमें मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मोजरेला चीज़ का डाल रही हूँ। कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ क्यूब आता है मोजरेला चीज़ में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा से फाइन टेस्ट देगा, बहुत बढ़िया लगेगा ये खाने में, बहुत ही अच्छा बनेगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड एन्जॉय।